चलिए फर्स्ट है आपका, कल 50 तक हमने कर लिया, 51 तक। क्वेश्चन है, क्या वह आज श्रीलंका जाने वाला है? इस वाक्य को निषेध वाचक वाक्य में बदल कर लिखिए। तो निषेध वाचक क्या वह क्या आज श्रीलंका नहीं जाने वह वाला आज है? श्रीलंका श्रीलंका नहीं जाने नहीं वाला? नहीं आ जाने जाएगा बीच में, क्योंकि वाक्य निषेध है। क्लियर? वेरी नाइस। सुमन, मेरी पक्की सहेली है, उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। ऑप्शन सुमन उद्देश्य मेरी पक्की सहेली सुमन है उद्देश्य विजय। विधेय मेरी पक्की ऑप्शन टू। सहेली है। वेरी गुड, वेरी करेक्ट आंसर। आज भारी बारिश हो रही है, इस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में कैसे लिखा जाए? आज आज भारी भारी बारिश हो बारिश सकती हो है। सकती है। हो आज भारी बारिश सकती हो है। सकती है, ऑप्शन सकती है, क्योंकि ये थर्ड। संदेह है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, श्याम तुम्हारी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। इसको आपने प्रश्न वाक्य में बदलना है। क्या क्या श्याम श्याम हमारी तुम्हारी कक्षा कक्षा का में सबसे अच्छा तुम्हारे क्लास का लड़का सबसे है? अच्छा लड़का है? वेरी गुड। नेक्स्ट इज, फूलों को समय पर पानी मिलेगा तो अधिक समय तक खिले रहेंगे। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? संकेत वाचक। संकेतवाचक। शाबाश। जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना या स्थिति का होना पाया जाए, या एक सरल वाक्य कहलाए, उसमें कर्ता, कर्म और क्रिया हो, वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य कहलाता है? विधानवाचक विधान वाक्य। वाचक विधानवाचक वाक्य। वाक्य। शाबाश। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस। सीता बहुत बहुत अच्छी लड़की है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे अच्छा लड़का मिले। ये अर्थ की दृष्टि से कौन इच्छावाचक सा वाक्य। वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। शाबाश। बच्चों को बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इस वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य में कैसे बदलेंगे? बच्चों बड़ों की आज्ञा का पालन करो। बच्चों बड़ों की बच्चों आज्ञा बड़ों का की पालन। आज्ञा क्या का पालन पालन करो? आबाज विप्रा। ऑप्शन थर्ड। वेरी गुड। नेक्स्ट है, रसोई घर में काम करने वाली महिला मेरी माता जी है, इसका उद्देश्य और विधेय अलग करना है। आपने कैसे करोगे? उद्देश्य हम रसोई घर उद्देश्य में काम माता करने जी है, वाली उद्देश्य महिला। रसोई रसोई घर घर में में करने वाली महिला। काम करने वाली रसोई महिला। में काम करने वाली महिला। ऑप्शन। गुड। आपके बगीचे में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए हैं, इस वाक्य को विस्मय आदिवाचक वाक्य में कैसे लिखा जाए? अरे अरे वाह, कि वहाँ, अरे कितने बाप बाग के के बगीचे बगीचे में में बहुत बहुत सुंदर सुंदरी फूल फूल खिले खिले हुए हैं। हैं। ऑप्शन थर्ड। शाबाश। नेक्स्ट है, आज शाम के खाने में चावल दाल ही बने हैं, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। क्या आज क्या शाम के आज खाने में आज चावल शाम दाल ही को बने चावल हैं? दाल ही दाल बने ही हैं? बनी है। शाबाश बेटा। ऑप्शन। हाँ, हे भगवान, मेरे दोस्त के भाग्य में इतना बुरा क्यों है? यह वाक्य किस प्रकार का? विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक इच्छावादी वाक्य। बोध है। इच्छावाचक। ऐसे वाक्य जिनमें हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वहां अर्थ। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। परफेक्ट आंसर। आई एम वेरी ग्लैड। शायद आज हिंदी के अध्यापक अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं, ये कौन सा वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक संदेहवाचक वाक्य। वाक्य। ये वाचक। और बाकी बच्चे भी जाएंगे इसके साथ, इसी उत्तर के यस साथ। मैम। पढ़ाई करने पर अच्छे अंक आते हैं, इस वाक्य को संकेत वाचक वाक्य में आप कैसे बदलेंगे? पढ़ाई कर लेते तो अच्छे अंक पढ़ आते। लेते पढ़ाई तो कर अच्छे लेते अंक तो आते। अच्छे रहे। पढ़ाई कर लेते तो अच्छे अंक आते। अच्छे यहाँ लाल काली गाय खड़ी है, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग करो। लाल काली गाय उद्देश्य देखिए, यहाँ लाल काली खड़ी है गाय विधेय है, खड़ी यहाँ है। खड़ी है। वेरी वेरी नाइस, गुड। परफेक्ट आंसर। आज गणित अध्यापक विद्यालय आए हुए हैं, इसको आपने निषेध वाचक में बदलना है। आज गणित आज अध्यापक गणित आज अध्यापक गणित विद्यालय अध्यापक नहीं आए थे। विद्यालय नहीं नहीं आए आए थे। थे। चलो शाबाश, ये तो इसमें तो आपके पूरे पूरे नंबर पक्के हैं। तुम्हारी बहन
अच्छी बावर्ची है, बावर्ची क्या होता है पहले ये बताओ। मैम कुक। मैम कुक। अच्छी बावर्ची है, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। क्या तुम्हारी बहन अच्छी बावर्ची है? तुम्हारी बहन अच्छी बावर्ची है। वेरी राइट। अब आप बताइए, देश में आतंकवादियों का खौफ शायद अभी भी है, इस वाक्य संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक शाबाश शाबाश। नेक्स्ट है आपका, ऐसे वाक्य जिनके शत प्रतिशत होने पर कोई शक हो, या जिन वाक्यों पर पूर्ण रूप से सही ना कहा जाए, वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य होता है? संदेहवाचक वाक्य। श्रीलंका भारत की दक्षिण दिशा में स्थित है, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य। अरे वाह बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। टुडे तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड की मेरे बच्चे फटाफट जवाब दे रहे हैं। गुड गुड गुड। पंकज आज जरूर विद्यालय आएगा, निषेध वाचक में बदलिए। पंकज आज विद्यालय नहीं आएगा। नेक्स्ट है, तुम वहां जाओ, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। तुम उद्देश्य वहां जाओ, उद्देश्य वहां जाओ, विधेय। मीना तुम परीक्षा देने जाओगी, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। मीना क्या तुम परीक्षा देने जाओगी। वेरी गुड। अध्यापक के डर से बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? विधानवाचक। निषेधवाचक। निषेधवाचक क्योंकि ये नेगेटिव है, नहीं मचा रहे हैं। क्लियर। सीता ने वह सभी काम निपटा दिए जो उसकी माँ ने उसे करने को कहे थे, वाक्य में निषेधवाचक वाक्य बदलिए। सीता ने वह सभी काम निपटा दिए जो उसकी माँ ने उसे करने को कहे थे। चलो वेरी गुड, परफेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट है आपका, आराध्य आराध्य एक संस्कारी लड़की है, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। आराध्य और विधेय एक संस्कारी लड़की है, ठीक है, वेरी गुड है। अभिषेक आज दीदी के घर जाने वाला है, इस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में कैसे लिखेंगे? अभिषेक आज दिल्ली से घर आ सकता है। आ सकता है, शाबाश। ये हो गया आपका संदेहवाचक। घनश्याम ने सभी सुंदर फूलों को नष्ट कर दिया है, इस वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलिए। क्या घनश्याम ने सभी सुंदर फूलों को नष्ट कर दिया है? नष्ट कर दिया है, शाबाश बेटा। परीक्षा से पहले मेहनत की होती तो आज अच्छे नंबर आए होते। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्योंकि इसमें शर्त है। ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद है? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य। शाबाश। दीपावली के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, वाक्य के आधार पर कौन सा वाक्य? इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है, सभी को अपनी सीटों पर बैठना चाहिए, इस वाक्य को आज्ञावाचक में बदलना है आपने। कृपया करके सभी अपनी सीटों पर बैठ जाइए। बैठ जाइए, शाबाश। नाउ नेक्स्ट, विद्यालय में अध्यापिका के पद पर काम करने वाली महिला मेरी बहन है, इस वाक्य में उद्देश्य 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 मेरी बहन है, विद्यालय में अध्यापिका के काम करने वाली महिला। ये कैसे हुआ, रीजन बताओ। हाँ जी नमन, कैसे निकाला आपने?
आपके पुस्तकालय में बहुत ही अद्भुत पुस्तकें और उपन्यास हैं। इस वाक्य को विस्मय आदि वाचक वाक्य में बदलिए। अरे वाह, अरे पुस्तकालय में बहुत ही उपन्यास है। तुम नाच सीख रहे हो, इस वाक्य को प्रश्न में बदलिए। तुम कहीं नाच सीख रहे थे? सीख रहे। तुम कहाँ नाच रहे थे? वेरी गुड। अच्छा, तो यह सब नुकसान तुमने किया है? यह वाक्य किस प्रकार का है? विस्मय आदि बोधक वाक्य। विस्मय आदि बोधक वाक्य। आपने परफेक्ट आंसर बोला। जिन वाक्यों से आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है, वहाँ अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य? इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। शाबाश, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट। शायद वे हिंदी भाषा से अधिक अपनी बोली को महत्व देता है, वाक्य के आधार पर बताइए। अच्छे से प्रैक्टिस करने पर मेडल मिलेगा, इस वाक्य को संकेत वाचक में कैसे बदलोगे? बदल के दिखाइए। शायद अच्छे से प्रैक्टिस करने पर मेडल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ लाल रंग की पुस्तक पड़ी है, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। लाल रंग की पुस्तक यहाँ पड़ी हुई है, उद्देश्य विधेय यहाँ पड़ी हुई है। आज पिताजी हम सभी को बगीचे में घुमाने ले गए, इस वाक्य को निषेध वाचक में बदलिए। आज पिताजी हम सभी को बगीचे में घुमाने नहीं लाए थे। तुम्हारी बहन शादी में नहीं आई थी, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। तुम्हारी बहन शादी में क्यों नहीं आई थी? हाँ जी। अभी भी गरीबी और भ्रष्टाचार का खौफ देशवासियों में शायद नहीं है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक। संदेहवाचक। वेरी नाइस। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए, वहां अर्थ की दृष्टि से प्रश्नवाचक वाक्य। शाबाश। पाकिस्तान भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर कौन सा भेद है? विधानवाचक वाक्य। वेरी गुड। इस बार की दीपावली में मोहन अवश्य ही अपने माता पिता से मिलने आएगा, इस वाक्य को निषेध वाचक में बदलिए। इस बार की दीपावली में भी मोहन अपने माता पिता से मिलने नहीं आएगा। नहीं आएगा। तुम कहाँ जाओगे, इस वाक्य में उद्देश्य और विधेय अलग कीजिए। उद्देश्य तुम कहाँ जाओगे, विधेय कहाँ जाओगे। वेरी गुड। मन्नत बड़े होकर एक सफल डॉक्टर बनना चाहती है, प्रश्नवाचक में कैसे बदलोगे? मन्नत बड़े होकर क्यों बनना चाहती है? क्लियर नाउ? क्लियर टू एवरीबॉडी?